अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एंड मुई बनस तारदे। आज मेरी एक फ्रेंड आ रही है और हमारा मे बी आज लास्ट मीटअप हो, क्योंकि वो लोग मूव कर रहे हैं दूसरी कंट्री में। तो आई डोंट नो, मे बी हम लास्ट टाइम मिल रहे हैं या शायद एक और बार भी मिलने का मौका मिल जाए। ज़ारा, तो मैं रेडी हो गई हूँ और बच्चे भी रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, उन लोगों का वेट कर रहे हैं। और मैं आपको भी दिखाती हूँ रेसिपीज, तो आज मैं नहीं शेयर करूँगी कि मैंने क्या कुछ बनाया है, बट टेबल सेट की है वो दिखा देती हूँ, बच्चों को दिखाती हूँ, और फिर जब फ्रेंड आएंगी मेरी तो मे भी मैं कुछ शूट करूँ। यहाँ पे मैंने ये टेबल सेट की है बिल्कुल सिंपल सी, और मैंने चाइनीज़ बनाना है तो उसमें राइस रखूँगी और दूसरे वाले में ग्रेवी रख लूँगी, एक में सैलड आ जाएगी और ड्रम स्टिक्स हैं। और मैं सोच रही थी क्योंकि बच्चे भी हैं तो कुछ टेबल इधर सेंटर टेबल पे भी कुछ सेट कर दूं चीज़ें, तो देखते हैं अभी क्या करती हूँ मैं। खाना हमने खा लिया, खाने की वीडियो मैंने शूट नहीं की, और अभी मैं मेकअप दिखा रही थी इन सबको। और जहाँ पे लेडीज़ हों वहाँ मेकअप और फैशन की बात ना हो ये तो हो नहीं सकता। तो अभी हमने प्लान किया कि हम एक मेकअप वीडियो बनाते हैं और मैं आपको एक पार्टी लुक क्रिएट करके बताती हूँ, तो कीप वॉचिंग माई वीडियो। सबसे पहले मैंने फेस को अच्छे से वॉश करके क्लीन कर दिया है, और अब मैं इसको हाइड्रेट करने के लिए एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसका नाम है इजिप्शियन मैजिक क्रीम, और आप चाहें तो कोई भी हाइड्रेटिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर मॉइस्चराइज़र यूज़ करें आप, ताकि जब आप बेस अप्लाई करें तो आपकी बेस अच्छे से सेट हो जाए और पैची लुक ना आए और ड्राई ना हो मेकअप। फाउंडेशन मैं एस्टे लाउडर की यूज़ कर रही हूँ, और इसका शेड जो मेरे पास है वो फॉन है 3W1.5, और मैं हमेशा क्लोज टू वेरी माई ओरिजिनल स्किन ही कलर लेती हूँ, आई वॉन्ट गो वेरी लाइटर, उससे बहुत नेचुरल लुक आती है। तो ये मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ विद डैम्प स्पॉन्ज। आप कोशिश करें कि जो आप स्पॉन्ज यूज़ कर रहे हैं वो पहले से वेट हो, थोड़ा डैम्प हो, ताकि आपकी बेस अच्छे से सेट हो जाए। एस्टे लाउडर की ये जो डबल वेयर बेस है ये बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट सारी स्किन टाइप्स को सूट करती है, और इसकी जो कवरेज है वो भी मोर देन आई गेस 15 आवर्स है, और ऑयली स्किन है, ड्राई है, आपकी नॉर्मल भी है तो भी ये बहुत अच्छी रहती है, तो आप ये फंक्शंस पे भी बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई करने लगी हूँ, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ NYX का 2 Beige, इसका कलर है, और ये लाइटर है। फाउंडेशन जो कलर मैंने यूज़ किया है उससे ये लाइटर टोन में है, और ये स्किन जो है इससे आपकी बहुत इवन टोन आती है, और आप अपने जो डार्क सर्कल्स हैं और ब्लेमिशेस वगैरह को काफ़ी हद तक हाइड कर सकते हैं। तो ये मैं अंडर आई और नोज़ पर और चिन पर अप्लाई करती हूँ। इसको अब मैं अपने डैम्प स्पॉन्ज के साथ जो है वो ब्लेंड कर लूँगी अपनी फाउंडेशन के साथ ही, और हमेशा आप याद रखें कि आपने रब नहीं करना, हमेशा टैप करना है, इससे क्रीजेज नहीं आते। मेरे पास तो ये बड़ा स्पॉन्ज है, मैं इसी से इसको कर रही हूँ ब्लेंड। आपके पास अगर छोटा है तो आप उसके साथ करें, उससे ज़्यादा ईजीली और अच्छा हो जाता है। यहाँ पे अब मैं मैक का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आई गेस ये है मेरे पास NC30, और कि मैं जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उसके ऊपर मैं बस इसको टैप करूँगी। साथ ही अब मैंने आईज़ पर भी कंसीलर अप्लाई कर दिया है, आई शेडो अप्लाई करने से पहले मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और इसको भी मैंने बस टैप किया है। आई शेडोज़ के लिए मैं हुदा ब्यूटी की डेजर्ट डस्क पैलेट जो है वो यूज़ कर रही हूँ, और सबसे पहले जो मैं बेस बनाने लगी हूँ वो बना रही हूँ मैं डेजर्ट सैंड, इस कलर का नाम है, वो मैं अपने आईज़ पर अप्लाई करूँगी। अब मैं इसका डार्कर शेड सैफ्रॉन के नाम का जो है यूज़ कर रही हूँ अपने आउटर लिड पर, और डार्क जो कलर्स होते हैं वो हमेशा आउटर कॉर्नर्स पर ही हम अप्लाई करते हैं। दूसरी आईज़ पर भी मैं लगा लूँगी, और इसको मैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड ब्लेंड करूँगी।
यहाँ पे मैं ट्रांजिशन शेड लेने लगी हूँ ईडन, और ये भी मैं इसके ऊपर ही अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज पर, और इसको मैं ब्लेंड करती जाऊँगी अपवर्ड एंड आउटवर्ड। सर्कुलर मोशन में अच्छे से ब्लेंडिंग करती जा रही हूँ मैं, और मैं ब्रशेस जो है रियल टेक्निक्स के यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डार्कर शेड ले रही हूँ सैफ्रॉन दोबारा से, और मैं इसको अब अपनी लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी। साथ ही मैं ट्रांजिशन शेड ईडन यूज़ करूँगी और कलर को ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैं गोल्डन साइज का शेड ले रही हूँ, और ये मैं अपने इनर कॉर्नर और इनर लिड पर अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ माय लिटिल फिंगर। यहाँ पर फ्रेंड्स की सजेशंस एंड रिकमेंडेशन साथ साथ चल रही हैं, और मैं भी बहुत इन्जॉय कर रही हूँ वीडियो को, क्योंकि अगर कोई आपको ओपिनियन दे रहा हो तो एंड प्रोडक्ट हमेशा बहुत अच्छा होता है। तो थैंक यू तंजीला एंड पारस फॉर accompanying me in this video. फिंगर से कलर अप्लाई करने के बाद अब मैं ब्रश से कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन्स नज़र ना आए। अब मैं आईलाइनर अप्लाई करने लगी हूँ, और मैं NYX का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं मस्कारा अप्लाई करने लगी हूँ, और मैं ये मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छा मस्कारा है। अब मैं अपनी ब्राउज़ को फिल करने के लिए ये आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, और ये एक ड्रग स्टोर से ली है मैंने, कोई नॉर्मल सी है। यहाँ पे अब मैं कंटूरिंग करने लगी हूँ, और मैं ये टू फेस्ड की कोकवा कंटूर यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर जो हाइलाइटर है वो भी बहुत अच्छा है, और कंटूर के कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मैं अपने फेस के लिहाज से कंटूर कर रही हूँ, थोड़ा नोज़ पर एंड राइट बिलो माय चीक बोन, जैसे मेरे फेस पर सूट करती है। और ये कलर मैं पॉपअप यूज़ कर रही हूँ, मैं अपनी नोज़ पर और थोड़ा सा फोरहेड पर और चिन पर लगाऊंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टाइम मेरे घर में 6 बच्चे मौजूद हैं, और फिर भी हमारी ये मेकअप क्लास हो रही है, तो isn't it amazing? But it is a team work. Thanks to Tanzila जो कि बच्चों को handle कर रही है, and thanks to Paris जो मुझे assist कर रही है। Blush on यहाँ पर मैंने benefit का लिया है California, और ये मैं contouring area पर apply करूँगी and away little bit at my cheek. यहाँ पर Zahra मुझे full company दे रही है। अब मैं हाइलाइटर ले रही हूँ, ये मैंने लिया है बेक्का का ओपल, और ये मैं अबव माय चीक बोन्स और टिप ऑफ द नोज एंड ब्रिज एरिया पे अप्लाई करूँगी। नाउ हियर कम्स द लिपस्टिक, और मैं ये मेबलिन का लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ जो पिंक शेड में है, एंड इट इज़ मैट फिनिश। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई बिलीव एवरी वुमेन इज़ प्रिटी, बट विद द राइट मेकअप इट मे बी प्रिटी पावरफुल। सो माई गर्ल्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटिफुल। अल्लाह हाफिज़, हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय।